नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल एस एस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर, जो कि अभी क्राइसिस में शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर हमारे पास आया है ऑप्टिमा आपके पास, जो कि हमने ये स्कूल कॉलेज में इंस्टॉलेशन करना है। इसका देखते हैं कि क्या इंटरनली फीचर्स है और क्या इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन है या नहीं है, और इसका क्वालिटी क्या है वो आप लोग को देखते। जैसे इसका बॉक्स ओपन किए तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं एक रिमोट है, पावर केबल है, और ऊपर से लुक तो अच्छा ही है। अंदर से देखते हैं क्या है। ऑप्टिमा का प्रोजेक्टर है हमारा ये, देख सकते हैं दोस्तों प्राइस तो काफ़ी अच्छा है। पहले तो पैकिंग ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको कहते हैं। ये देखिए ऑप्टिमा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू है, पावर है, सारा कुछ यहाँ पे, ऑप्शन तो सही है ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ये बटन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये शॉर्ट थ्रू है इसलिए इसका जो लैंप होता है वो बड़ा होता है। इसमें वो पावर डाल के एक बार आप लोग को दिखाते हैं इसका एक्चुअली फोकस क्या है। और पीछे एक बार देखिए, यहाँ पे एक HDMI दिया है, एक USB दिया है, दो आउटपुट इन और आउटपुट दोनों दिया है, ऑडियो आउटपुट इनपुट दोनों दिया है, और ये फुल 3D भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल 3D ठीक है। ये इसमें सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अभी आप अगर चाहते हैं कोई घर पे अगर शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर यूज़ करना या स्कूल या कॉलेज में देना चाहते हैं तो ये मॉडल आप प्रेफर कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए पीछे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए पीछे ये काफ़ी सारे स्क्रू लगाने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, बट नॉर्मल वाले नहीं लगते हैं इसमें, हम लोग पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसके लिए अलग से आता है, वो आप यूज़ करें ज़्यादा अच्छा होगा। इसको पहले हम पावर देखते हैं ये लाइट में कितना वर्क करता है, क्योंकि देखिए काफ़ी लाइट है हमारे शॉप पे। इसके बाद हम लोग ऑन करते हैं, देखते हैं इसका डिस्प्ले किस टाइप से होता है और विजिबिलिटी कितना क्लियर है वो अभी हम लोग चेक कर लेंगे, तो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि विजिबिलिटी सही है या नहीं है। देखिए हम HDMI के थ्रू इसको देना चाहेंगे, अभी हमारा ये ऑन हो रहा है। कनेक्शन हम लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर चुके हैं, ये देखिए हमारा थोड़ा हम नहीं करेंगे इसको, लाइट काफ़ी हमारे पास अभी है, बस एक बार थोड़ा टाइम लेंगे ये ऑन होकर के इस टाइप से आता है, हम शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर इतना बिजी आ रहा है इसको हमें क्लियर कर लेंगे, ये देखिए हमारा क्लियर हो गया। क्लियर बटन यहाँ पे है, वो आप लोग भी देख सकते हैं, थोड़ा बिजी आ रहा है सेंटर में करने के लिए एडिटन क्लियर हो गया। अब इसमें हम वीडियो एक बार चला कर देखते हैं वीडियो दीजिए वर्क कैसे करता है। आप देख सकते हैं ये तो क्लियर साफ साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं क्लियर है पूरा, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्टर आप छोटा छोटा लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको साफ साफ क्लीन दिखाई दे रहा है। ये प्रोजेक्टर ऐसा आप यूज़ करना चाहते हैं तब कर सकते हैं, एक वीडियो प्ले करके आप लोग हम दिखाना चाहेंगे। जैसे कोई वीडियो हमारे पास ऑनलाइन ही चलिए चला देते हैं, साउंड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का ये मैसेज आ रहा है। देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार है और प्रोजेक्टर में सारे फिल्म देख दिए, क्योंकि हमारे अभी शॉप में लाइट भी दोनों सामने देखिएगा जला हुआ है,
उसके बावजूद भी क्लीन है, अगर लाइट ऑफ करते हैं तो शायद आई थिंक और हमारा विजिबिलिटी और क्लियर हो सकता है। तो ये आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी लाइट है हमारे शॉप में अभी, फिर भी इसका विजिबिलिटी जो है बहुत सही है। तो आप इस प्रोजेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट प्रोजेक्टर है, काफ़ी कम रेट में अच्छा प्रोजेक्टर है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।